हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुप्रिया और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गेट रेडी विद मी फॉर ऑफिस लुक, कैजुअल ऑफिस लुक। और मैंने नहा लिया है, ना कि मैंने एक नॉर्मल सा टी शर्ट पहना है, क्योंकि मुझे ना ठंडी, मतलब अभी ठंडी पड़ना शुरू हो गई है तो मुझे ना बहुत ठंड लगता है, तो ये इसलिए मैंने मोटा वाला कपड़ा पहना है। नहाने के बाद बहुत ठंडी लगती है ना, और मैं गर्म पानी से नहीं नहाती हूँ, मैं ठंडे पानी से ही नहाती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से नहाने के बाद मुझे और ज़्यादा ठंड लगती है इसके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ हमेशा ये टोनर, जो कि है हनी टोनर। मुझे पता नहीं क्यों हनी टोनर पसंद है, और ये अभी खत्म होने वाला है, तो आई विल बी ट्राइंग समथिंग न्यू, डिफरेंट टोनर ट्राई करूंगी इस बार, क्योंकि मैं 2-3 बार से यही ट्राई कर रही हूँ। एक बार मैंने ऐसे बात करते करते टोनर मार लिया और मेरे मुंह के अंदर चला गया, लेकिन टेस्ट अजीब नहीं है इसका। इसको थोड़ा सा सूखने देंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा जब तक के मेरा टोनर अब्सॉर्ब करता है ना स्किन, मैं कॉम्ब कर लेती हूँ, और मैं हमेशा ये मोटे वाले कंघी यूज़ करती हूँ कॉम्ब करने के लिए। मैं मतलब बहुत रेयरली पतली वाली कंघी यूज़ करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। तो मैं आपको मेरा मतलब नॉर्मल रूटीन बता रही हूँ, जैसे मैं करती हूँ जब तक कि अब्सॉर्ब हो रहा है। मैं बाल वगैरह कर लेती हूँ सेट अपना, तो ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, मतलब ये एलोवेरा जेल है जिसको मैं एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। और अभी ठंडी के टाइम पे अपना स्किन बहुत ये होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ ये लगाने के बाद में फिर उसके ऊपर से एक ड्राई स्किन बेस का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इतनी ठंड नहीं पड़ रही है। मतलब बाहर निकलो ना तो हल्का धूप रहता है और गर्मी होती है, तो इसके लिए। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये लैक्मे का सनस्क्रीन, जो कि 99 रुपीस का है, बहुत अफोर्डेबल है। मुझे सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद में मैं ये मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन यूज करूंगी। इसका ना आईना टूट गया है। मैं फाउंडेशन बहुत रेयरली यूज करती हूँ, सिर्फ कॉम्पैक्ट ही यूज करती हूँ ऑफिस जाते टाइम। लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ इनसाइड का कोरल, कोको प्लम 05। ये शेड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरा लिपस्टिक हो गया है और मैं अब यूज करने वाली हूँ टिंटिन। एक्चुअली मैं ना दूसरा वाला टिंटिन यूज़ करती हूँ, लिक्विड वाला, पर वो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड, कमेंट में लिख दो, शायद मिल जाए। मैं जब भी टिंटिन लगाती हूँ ना, तो हल्का सा नोज़ पे लगा लेती हूँ, जो बच गया रहता है ना हाथ में, ऐसे वो नोज़ पे कर लेती हूँ। थोड़ा सा नोज रेड रेड ऐसा पिंक सा अच्छा लगता है। आईलाइनर कभी कभी लगाती हूँ, मस्करा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर करती हूँ, आईलैशेज ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है। और मैं आईलाइनर लगाने जाऊँ ना तो वो बिगड़ जाता है मुझसे, तो उतना सुबह में टाइम पास कौन करेगा ना, उसको सही करने लगो फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। तो अब मैं यूज करने वाली हूँ आईब्रो पेंसिल। मेरे को कपड़े पहनने हैं और यहाँ पे मैं ये पहनने वाली हूँ, ये टॉप मीशो से लिया है, ये स्ट्रेट लेग जींस भी मैंने मीशो से लिया है। इसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले से है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आपको भी लेना रहेगा तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने कपड़े पहन लिए है, ये लोशन लगाने वाली हूँ अपने हैंड्स में, जो कि है लैक्मे पीच मिल्क लाइट वेट मॉइस्चराइजर 24 आवर नॉन स्टिकी। ये फेस पे भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको अभी हैंड्स पे लगाने वाली हूँ। अरे निकल जा। वह बारी एसेसरीज का, तो मैं यहाँ पे वॉच पहनने वाली हूँ, जो कि है मैक्सिमा का। इसके साथ में मैं मैच करने के लिए ये कड़ा पहन रही हूँ,
ये जो मेरे हाथ में ये सिल्वर कलर का कड़ा है ना, ये मैं उतार रही हूँ ऐसे, मतलब एक में गोल्डन एक में सिल्वर, रेगुलर मैं यही पहनती हूँ। और इयररिंग्स के लिए ना यहाँ पे ऐसे मैं ना छोटा सा मैंने डब्बा बना के रखा है, डेली वेयर की इयररिंग्स इसमें रखती हूँ, जो भी टॉप्स होते हैं ना छोटे, और ये छोटे वाले इयररिंग्स बहुत जल्दी खो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है ऑर्गेनाइज करके। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये छोटे टॉप्स। ये समथिंग समथिंग, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है एकदम, मतलब मुझे ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पसंद नहीं है, माइल्ड अच्छा लगता है। समथिंग समथिंग मेरी जान, टेल मी समथिंग। अभी मैं ये स्क्रंची पहनूंगी हाथ में ये वाले, और फिर वहां जाके मतलब मैं बाल बांध लेती हूँ, या फिर ट्रेन में जब ट्रैवल करना रहता है तब बांध लेती हूँ, वरना ऐसे अच्छा लगता है हाथ में। तो मैं आज सैंडल नहीं पहनूंगी, मैं ये शूज पहनने वाली हूँ जो कि मम्मी ने ऐसे थैली में करके रखा है, क्योंकि ये वाइट है ना जल्दी गंदा हो जाता है, इसको दो तीन वॉश मतलब दो तीन बार पहनने के बाद इसको वॉश करना पड़ता है शूज को। आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो मेरे दूसरे वीडियोस भी जाके आप प्लीज़ देखो, अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक कर दो। इस वीडियो के लिए अगर आपको कोई सजेशन है या फिर कुछ और रिक्वेस्ट है आपकी कि इसके इस लुक का वीडियो बनाओ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ये मोटे को इग्नोर करो, ये कुछ काम नहीं करता है, मेरा कोई हेल्प नहीं करता है किसी भी काम में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।